आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी कि संडे की रात को, तब आदि पुरुष को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं, फ्राइडे सैटरडे और संडे, यानी कि उसका पहला वीकेंड खत्म हो चुका है। और क्या तुम जानना चाहोगे कि मूवी ने अपने पहले वीकेंड में कितना कलेक्शन किया? तो मूवी ने अपने डे 1 पे यानी कि फ्राइडे जून 16 को 140 करोड़ का स्टार्ट लिया। एंड इसी मूवी के साथ प्रभास इकलौते ऐसे इंडियन एक्टर बने जिनकी 3 मूवीज ने अपने डे 1 पर 100 करोड़ से ज्यादा का स्टार्ट लिया हो। एंड ये चीज कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पहली बात तो मूवी रामायण के ऊपर थी और दूसरी बात उसमें प्रभास थे। और हाँ, डे 1 पे किसी ने मूवी को ऑलरेडी नहीं देखा था, तो मूवी की क्वालिटी के बारे में किसी को नहीं पता था। तो जब मैं ये वाला वीडियो शूट कर रहा था ना, तब मैंने एक आर्टिकल से पढ़ के ये सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स लिखे थे। एंड एक्चुअली मैं वो आर्टिकल थोड़ा सा इनएक्यूरेट है, तो जितने भी नंबर्स तुम्हें इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे वो एक्चुअली में फिक्स्ड नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली में है। तो वीडियो के अंदर जो भी मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स बताए उस पर ध्यान मत देना, जो टेक्स्ट पे नीचे लिखा है ना उस पर ध्यान देना, वो राइट वैल्यू है। और जब डे 2 का अमाउंट आया तो भाई हम सब शॉक रह गए। पता है क्यों? क्योंकि डे 1 के बाद मूवी को लेके बहुत सारे खराब रिव्यूज आ रहे थे कि मूवी पैथेटिक क्वालिटी की है, बैड क्वालिटी की है, लेकिन फिर भी मूवी ने अपने डे 2 पे 100 करोड़ का बिजनेस किया। हालांकि मैंने 4-5 दिन पहले अपने चैनल पे जरूर प्रेडिक्ट किया था कि मूवी अपने डे 1 पे ओपनिंग लेगी 100 से 150 करोड़ के बीच में, जो कि सही भी हुआ, मूवी ने 140 करोड़ का स्टार्ट लिया। लेकिन जब मैंने मूवी देखी उसके बाद में, तब मुझे खुद ये लगने लगा कि शायद ये मूवी बहुत कम अर्निंग करेगी, क्योंकि मूवी की क्वालिटी वाकई में बहुत बुरी थी, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बुरी। तो जितने मैंने प्रेडिक्शंस करी थी मुझे लगा कि वो शायद गलत होगी, पर मैं वहां पे भी गलत था। मेरी प्रेडिक्शन सही हुई, डे 1 पे 140 करोड़ और डे 2 पे 100 करोड़। और यही नहीं, डे 3 यानी कि संडे को, यानी कि वीकेंड के एंड पे मूवी ने एक और 100 करोड़ का कलेक्शन किया, यानी कि टोटल अपने पहले वीकेंड में मूवी ने 340 करोड़ का कलेक्शन किया। और ये कलेक्शन लिटरली अनरियल है, मूवी के इतने बैड रिव्यूज आने के बाद भी इतना ज्यादा कलेक्शन, मतलब जिस मिशन के लिए इस मूवी को बनाया गया था वो मिशन सक्सेसफुल हो गया। इस मूवी को बनाया गया था कैश ग्रैब के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, और ये मूवी करके दे रही है। ओम राउत भैया, आपका विजन जैसा भी हो, लेकिन हमको तो यही समझ में आ रहा है कि भाई तुमने पैसों के लिए पिक्चर बनाई थी। एंड यही नहीं, अब तो वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो लोग इस मूवी के डायलॉग्स को चेंज करके इसको रिलीज करेंगे जल्दी थिएटर्स में, तो आप आके हमारी मूवीज दोबारा देखो और हमें दोबारा से पैसे लाके दो। अब तुम इस स्ट्रेटेजी को क्या कहोगे, ये कैश ग्रैब नहीं तो क्या है? कुल मिला के सिर्फ स्कैम चल रहा है ये, और भाई जितने पैसे ये लोग अपने जेब में भरना चाहते हैं वो ये लोग कर रहे हैं। एंड जैसा कि अपने सेक्सी पीजे भैया ने कहा था कि इस क्वालिटी के साथ इस मूवी को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसी मूवीज कलेक्शन करके जाएंगी 300-400 करोड़ का, तो फिर कोई भी डायरेक्टर कोई भी राइटर यूं ही एफर्ट डालेगा। लेकिन अगर हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें कि मूवी फ्यूचर में कितना कमा सकती है, तो देखो ये तो वीकेंड के डेज थे, यहाँ पे लोगों की छुट्टी होती है तो लोग एंजॉय करते हैं थिएटर्स में जाके। लेकिन अब वीक डेज चालू होने वाले हैं, मंडे से फ्राइडे, इन दिनों मूवी के कलेक्शन बहुत ज्यादा नीचे गिरेंगे, और फिर वापस से जब सेकंड वीकेंड आएगा मूवी का, तो हो सकता है मूवी थोड़ा बहुत बाउंस करे, बट जिस तरह की क्वालिटी इस मूवी की है तो शायद ही कोई देखने जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के दौरान ऑलमोस्ट सबको पता चल जाएगा कि मूवी कैसी है, रिव्यू सभी देख लेंगे, मीम्स के थ्रू और अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू सभी को पता चल जाएगा कि मूवी एक्चुअली है कैसी। लेकिन फिर भी 340 करोड़ अपने पहले वीकेंड में किसी भी एंगल से कम नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, अपने पहले वीकेंड की कमाई यानी कि 340 करोड़ के साथ इस मूवी ने अपने बजट को रिकवर कर लिया है। तुम थोड़े बहुत शॉक हो सकते हो अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मूवी ने रिलीज होने के पहले 432 करोड़ का कलेक्शन किया था अपने थिएट्रिकल राइट्स को बेच के। तो 432 करोड़ उन थिएट्रिकल राइट्स और इस 340 करोड़ जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हुआ है, इन दोनों को मिला दो तो इनका कलेक्शन आराम से 700 करोड़ के पार चला जाता है। तो ये मूवी अपने बजट को रिकवर कर चुकी है। तो अब ये मूवी अपने वीक डेज में कमाए या सेकंड वीकेंड में ना भी कमाए, ओम राउत भैया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो लोग डायलॉग्स चेंज करके मूवी को रिलीज करेंगे तो समझ लो 150 करोड़ का कलेक्शन और बढ़ जाएगा। इस मूवी के मेकर्स ने अपनी गलती मानी नहीं है किसी भी इंटरव्यू पे या फिर किसी भी जगह पे अपनी गलती मानी नहीं है, बस इन लोगों को जो चीज चाहिए थी यानी कि पैसे, वो पैसे इनको मिल चुके हैं। हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि अगर मूवी की क्वालिटी ठीक होती है, उन्होंने अगर स्टोरी टेलिंग को नेल कर लिया, तो मूवी अपने बजट का डबल अमाउंट यानी कि 1300 से 1400 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। बट इस क्वालिटी के साथ मैं ये कहूंगा कि अगर ये मूवी 600-700 करोड़ टच करती है तो बहुत बड़ी बात है। एंड ये मूवी इतनी कमाई कर भी रही ना, तो सिर्फ हम हिंदियों के सेंटिमेंट की वजह से, यानी कि रामायण की वजह से। हर एक इंडियन आदमी जो कि सिनेमा के अंदर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखता है, वो डिसअपॉइंटेड होकर यही कहेगा कि आदि पुरुष ही है इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी मूवी। बाकी आपको क्या लगता है, आदि पुरुष का लाइफ टाइम कलेक्शन कहां तक जाएगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अविनाश, मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।